मोर नाम हेउची प्रियदर्शनी पाणिग्राही मु हरडाखंडी छक निकटस्थ गोवर्धन पेटा डेरा साही ठारे रहुची। बरेण्य विचारक मंडली मानंकु मोर प्रणाम। मते भारतीय व्यक्तित्वक जीवनी संपर्क निजर वक्तव्य उपस्थापन करिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजकु धन्य मने करूअछि। भारत वर्ष हेउची अनेक वीरपुरुष मानंकर जन्ममाटी। एही स्थान रे अनेक वीरपुरुष जन्म ग्रहण करिछंती जेउ मानंकर वीरत्व एवं गौरव गाथा आज भी सारा विश्व रे गुणगान करा जाउछि। सेमानंक मध्यरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्यतम। भारतीय स्वाधीनता संग्रामर सेई अविस्मरणीय दुर्दश नायक जहांकर शरीर रे स्वाधीनतार रक्तबिंदु प्रवाहित हेउथिला। देश प्रेमर झरणा बहुथिला। जहांकर स्लोगान मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता प्रदान करिबि देशर प्रत्येक कोण अनुकोण रे प्रतिध्वनित हेउथिला। से थिले आमर प्रिय नेताजी आजाद हिंद फौज गढ़ीथिबा ऐतिहासिक वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। से 1897 मसीहा जनवरी 23 तारीख रे कटकर ओडिया बजार ठारे जन्मग्रहण करिथिले। तांकर पितांक नाम थिला जानकीनाथ बोस एवं मातांक नाम थिला प्रभावती देवी। से जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवींकर नवम संतान थिले। से बाल्यकालरु अत्यंत बुद्धिमान थिले। रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे मैट्रिक परीक्षा रे से द्वितीय स्थान हासिल करिथिले। पितामातांक इच्छा अनुजाई भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस परीक्षा से देइथिले। 1920 मसीहा रे से आईसीएस परीक्षा रे सर्वभारतीय स्तर रे चतुर्थ स्थान हासिल करिथिले। किंतु निरीह भारतीय मानंक उपरे ब्रिटिश अत्याचार तांकु अतिष्ठ करि देइथिला। तेणु से देश पाई लड़िबार निष्पत्ति नेइथिले। महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित होई से भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देइथिले। देश बंधु चित्तरंजन दास को से निज राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करिथिले। 1938 मसीहा रे से भारतीय जातीय कांग्रेस रे सभापति रूपे निर्वाचित होइथिले। इंग्रेज मानंक विरुद्ध रे ताकर अग्निवर्षी भाषण समाजर प्रत्येक श्रेणीर जनसाधारणक मनरे नवजागरण सृष्टि करिथिला। तांकर निर्भीकता एवं असाधारण संगठनात्मक कार्यकलाप इंग्रेज मानंकु विचलित करि देथिला। से इंग्रेज मानंकु आम देशरु तडिबा निमन्ते सशस्त्र विप्लव पंथा सपक्षरे थिले। भारतीय संबल एवं सैनिक मानंकर नियोजन विरुद्ध रे से एक गण आंदोलन संगठित करिथिले। तेणु तांकु गृहबंदी भाबे रखा जाइथिला। किंतु से आम भारत माता को इते मात्रे श्रद्धा करुथिले जे भारत माता दासत्वर श्रृंखल रे बंधा थिबा जाय से शांत पड़िबा को प्रस्तुत नथिले। तांकर दर्शन और व्यक्तित्व एवली थिला तांकु जिए भी सुनुथिला आपणा छाई तांक आड़े आकर्षित हो जाउथिला। तांकर प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता भारतर सीमा अतिक्रम करि देथिला। तेणु विश्वर अनेक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति माने तांको समर्थन रे छिड़ा होइथिले। से भारतरु पलायन करी सिंगापुर ठारे आजाद हिंद फोर्स गठन करिथिले। तांकर स्लोगान थिला दिल्ली चलो। आजाद हिंद फोर्स थिला नेताजींको जीवनर सबुठारु बड़ दुस्साहसिक एवं स्मरणीय घटना। 1945 मसीहा अगस्त 18 तारीख रे जहां घटीथिला ताहा वर्तमान पर्यंत होउछि रहस्यवृत। किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोसकर वीरत्व एवं साहसिकतार गाथा अतुलनीय। से थिले जणे जीवन योद्धा। तेणु कुहा जाए भारत माता का वो सच्चा सपुत्र परम वीर साहसी निडर भारत को आजाद कराया हे वो सुभाष चंद्र बोस अमर। 1945 अगस्त 18 तारीख रो काल रात्रि रे आम भारत माता एक वीर पुत्र को हराइथिला। किंतु आज मध्य समस्त भारतीयों हृदय रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर होई रहिछंती। एतिकी कहि मु वक्तव्य शेष करुछि। जय हिंद जय भारत माता की जय।